डिप्रेशन और साइकोसिस, ये जब दोनों साथ में रहते तो क्या होता है, वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति अज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। डिप्रेशन के बारे में मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। डिप्रेशन में कभी कभी क्या होता है कि साइकोटिक फीचर्स आते हैं साथ में। डिप्रेशन में तो आपको पता ही है, मैंने बताया हुआ है, जैसे नर्वसनेस है, उदासीनता, सैडनेस, दुख लगना, निराशा, नींद नहीं आना, इंटरेस्ट कम होना, कोई चीज़ में मज़ा नहीं आना, प्लेजर नहीं लगना, भूख नहीं लगना, सुसाइड के विचार आना, ऐसे जो सिम्टम है ये सब डिप्रेशन में दिखते हैं। अभी इसके साथ साथ कुछ कुछ डिप्रेशन में साइकोटिक फीचर रहते हैं और वो डिप्रेशन के मुताबिक, मतलब उसको मैच होने वाले साइकोटिक फीचर रहते हैं। जैसे निहिलिस्टिक डिल्यूजन रहता है, और निहिलिस्टिक डिल्यूजन मतलब एक फर्म बिलीफ कि मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, मैं तो कंगाल हो गया हूँ, पूरा डूब गया हूँ, ये जीवन में कुछ बचा नहीं है और मेरी जल्दी मौत हो जाएंगी, ये सब सारा मिथ्या है, मतलब इस तरह के निहिलिस्टिक डिल्यूजन्स है। और इसमें पर्सिक्यूटरी डिल्यूजन है कि भाई मैं कोई काम का नहीं रहा, करके लोग मेरा पीछा करके अभी मुझे मार डालेंगे, या लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि एक ऐसा निकम्मा है, मतलब इस तरह के डिल्यूजन्स रहते हैं कि जो डिप्रेशन को पूरक है, और उनका वो फर्म बिलीव रहता है कि नहीं ये ऐसा ही है, उनका ओपिनियन नहीं है, वो उनका वो व्यू नहीं है, फर्म बिलीफ है। ये जो डिल्यूजन्स है वो डिल्यूजन्स स्किज़ोफ्रेनिया में दिखते हैं, मैनिया में दिखते हैं, मगर वो डिल्यूजन्स एक अलग प्रकार के होते हैं, इसको डिप्रेशन को मद्देनजर रखते हुए डिल्यूजन होते हैं। तो जैसा भी मैं बहुत गरीब आदमी हो गया हूँ, मैंने बहुत पैसा कमाया हुआ है, मतलब इस तरह का रहता है, निहिलिस्टिक डिल्यूजन ज़्यादा रहते हैं। तो जब हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं तो हमको ये भी देखना है कि एंटी डिप्रेशन के साथ में उनको एंटी साइकोटिक भी ऐड करना जरूरी होता है, दोनों दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ एंटी डिप्रेशन देके होता नहीं है। और हो सकता है ये जो लोग है, ये जो पेशेंट है, इनमें डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन सिर्फ दे दिया, हो सकता है वो मैनिक फेज में चले जाएंगे। तो इसलिए हमको मूड स्टेबलाइजर भी देना है, एंटी डिप्रेशन भी देना है, और डिप्रेशन के साथ साथ जो साइकोटिक फीचर है वो उसको ठीक करना है। साइकोटिक फीचर कभी कभी बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वो किसी को अटैक भी कर सकते हैं या फिर खुदकुशी भी कर सकते हैं, हैंग कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे या कूद लेंगे, मतलब मर जाना है भाई, मुझे जीने में मतलब ही नहीं है, इस तरह का पक्का बिलीफ। तो हम जब उनको इलाज करते हैं तो यदि उनको सुसाइडल थॉट है तो सिर्फ एंटी डिप्रेशन एंटी साइकोटिक देके हमको रुकना नहीं है, हमको उनको इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी भी देना है, क्योंकि हमको जल्दी अच्छा करना है, वो खुद को थ्रेट है, खुद के लाइफ को और दूसरों के लाइफ को भी थ्रेट हो सकते हैं। तो इस तरह का ये साइकोसिस है डिप्रेशन के साथ में, और ये बस समझना जरूरी है कि वो ऐसा पागल नहीं है, है डिप्रेस्ड मगर साइकोटिक फीचर्स है। तो इसका जितना जल्दी इलाज करोगे उतना अच्छा है, नहीं तो क्या होता है कि ये तो पागलों के तरफ कर रहा है, हम पागल के डॉक्टर के तरफ जाएंगे तो कैसा होगा, ये मेंटल उसको साबित कर लेंगे, उसको शॉक देंगे, फिर दवाई नहीं होना, मतलब ऐसे काफ़ी सारे गलत फहमियाँ लोगों के दिमाग में रहती है, लोग इलाज नहीं करते फिर बाद में प्रॉब्लम होता है। जल्दी से आपके साइकेटिस्ट को कंसल्ट करो। हमारे यहाँ हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, आप हमारे जो काउंसिलर है, कॉलर्स है, असिस्टेंट्स है, उनको कॉल करके मेरी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, और आप मुझे संपर्क करके आपका इलाज ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको घर पर दवाई मिल जाएंगी। आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, हमारे यहाँ दो तरह के हॉस्पिटल हैं, एक हॉस्पिटल में हम रिलेटिव्स के साथ में पेशेंट को रखते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ रिलेटिव रहने को तैयार नहीं है, वहाँ हम पेशेंट को अकेले भर्ती करके उनका इलाज हम करते हैं। तो दोनों भी यहाँ संभव है। वो दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ बिना रिलेटिव हम इलाज करते हैं, वहाँ मंदबुद्धि की भी पेशेंट है, उनका भी इलाज करते हैं। प्रौढ़ नागरिक है जिनको डिमेंशिया हुआ है, कुछ ऐसे हैं कि जिनको घर में रखना मुश्किल है, आक्रामक पेशेंट है या बहुत मारपीट करने वाले हैं, हिंसक बनते हैं, उनको भी हम रखते हैं। तो ज़रूर हमारे से आप कंसल्ट कीजिएगा, आप हमारे यहाँ की भर्ती करके पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। अंदाजन इसमें क्या है कि अंदाजन 4 से 6 हफ्ते में दवाई का फ़ायदा दिखाई देता है, तो तब तक आपको शांति रखनी पड़ेगी और धीरे 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 फायदा दिखाई देगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।